ट्विटर में लगातार हो रहे बदलावों के बीच अब इलॉन मस्क ने एक नए बदलाव का खुलासा किया है, जिसके मुताबिक अब ट्विटर पर वेरीफाइड अकाउंट्स को अलग अलग रंग के बैज दिए जाएंगे। न्यू वेरिफिकेशन सिस्टम के लॉन्च डेट का खुलासा हो चुका है। अगले हफ्ते शुक्रवार यानी 2 दिसंबर को इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। इस नए सिस्टम में सरकार, कंपनियों और आम लोगों को अलग अलग रंग के बैज मिलेंगे। कंपनियों को गोल्ड चेक, सरकार को ग्रे चेक और आम नागरिकों को ब्लू चेक मिलेगा। इसके अलावा सभी वेरीफाइड अकाउंट्स को चेक एक्टिवेट होने से पहले सभी को मैन्युअली चेक किया जाएगा। न्यू वेरिफिकेशन सिस्टम को लेकर मस्क ने कहा कि ये पेनफुल है लेकिन जरूरी है। आपको बता दें कि सर्विस को पहले ही लॉन्च करने की अनाउंसमेंट की गई थी, लेकिन कुछ तकनीकी सुधार के चलते लॉन्च करने की डेट को पोस्टपोन कर दिया गया था, जिसके लिए मस्क ने माफी भी मांगी। वहीं एक दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते इस वेरिफिकेशन सिस्टम की पूरी जानकारी ट्विटर यूजर्स को दे दी जाएगी। इससे पहले मस्क ने कहा था कि वेरिफिकेशन सिस्टम को 29 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा, लेकिन बाद में इसे टाल दिया गया था। ब्लू चेक मार्क पहले राजनेताओं, फेमस पर्सनालिटीज, जर्नलिस्ट और अन्य सार्वजनिक हस्तियों के वेरीफाइड अकाउंट्स के लिए रिजर्व था। मस्क के ट्विटर टेक ओवर करने के बाद इसे ब्लू सब्सक्रिप्शन सर्विस में जोड़ दिया गया था। कोई भी व्यक्ति पेमेंट कर इसे ब्लू चेक मार्क को ले सकता था। हाल ही में इस सर्विस को कुछ देशों में $8 प्रति महीने यानी के करीब 660 रुपए की कॉस्ट पर लॉन्च किया गया था, लेकिन फेक अकाउंट के बढ़ने से इसे कुछ टाइम के लिए होल्ड कर दिया गया था, जिसे फिर से रिवाइव किया जा रहा है। पेड वेरिफिकेशन फीचर के रोल आउट होते ही ट्विटर पर कई मशहूर हस्तियों के फर्जी अकाउंट सामने आ गए थे। कई कंपनियों के भी फेक अकाउंट बनाए गए, जिसका असर उस कंपनी के शेयर्स पर भी पड़ा था। कुछ ने गेमिंग कैरेक्टर सुपर मारियो और बास्केटबॉल खिलाड़ी लेब्रॉन जेम्स के भी फर्जी अकाउंट बनाए थे। यही नहीं, किसी ने डोनाल्ड ट्रंप के नाम से तो किसी ने जीजस क्राइस्ट के नाम से भी पैरोडी अकाउंट बनाकर ब्लू टिक खरीद लिया था, जिसके कारण अब इस सर्विस को रिलॉन्च किया जा रहा है। आपको बता दें कि भारत में कुछ ट्विटर यूजर्स को 10 नवंबर की रात ब्लू सब्सक्रिप्शन के लिए एप्पल ऐप स्टोर पर पॉपअप मिला था। इसमें ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन की मासिक कीमत 719 रुपए बताई गई थी, हालांकि कीमत अभी भी ऑफिशियली सामने नहीं आई है। चलिए अब जानते हैं कि सब्सक्रिप्शन मोड पर ले जाने की तीन बड़ी वजह कौन सी है। पहला ये कि कंपनी को रोजाना 32 करोड़ का नुकसान हो रहा है, वो नए मॉडल से रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा, मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदा है, वो जल्द इसकी भरपाई करना चाहते हैं। और तीसरा, ट्विटर पर भारी कर्ज है, वो इसे खत्म करने के लिए एडवर्टाइजर्स पर निर्भर नहीं रहना चाहते। अब आगे ये देखना होगा कि ट्विटर को लेकर इलॉन मस्क आगे क्या क्या बदलाव कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर बताइए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।